मित्रों, यह बात सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य को देवभूमि का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह वैदिक काल में ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री, चारों धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार के साथ साथ यहां पर अनेक धार्मिक स्थान विराजमान हैं। देवभूमि के साथ ही उत्तराखंड को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इतिहास काल से ही अनेक वीरों और वीरांगनाओं की जन्मभूमि रही है। अगर आप उत्तराखंड का इतिहास खोलकर देखेंगे तो इसमें आपको अनेक वीरों की वीर गाथा का वर्णन मिल जाएगा। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें या भारतीय सेना में अपनी वीरता का परिचय देने वाले वीरों की, उत्तराखंड के लोग कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसका परिणाम आज उत्तराखंड अलग राज्य है। यह कहानी उस दौर की है जब भारत में अंग्रेजी शासन था। अंग्रेज लोग भारतीयों का शोषण किया करते थे। उत्तराखंड के लोग भी अंग्रेजों के इस शोषण का शिकार हुए थे। उस दौर में कुमाऊं क्षेत्र में राजस्व की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी तथा सेना के क्षेत्र भ्रमण पर उनकी सेवा और सामान को लाने ले जाने का कार्य स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बारी बारी से बेगार के रूप में किया जाता था। अफसरान के लिए डोली पालकी की व्यवस्था भी की जाती थी, जिसका हिसाब बेगार के रजिस्टरों में रखा जाता था। यह बेगार अंग्रेजी दमन का प्रतीक बन गई थी, जिसके उन्मूलन के लिए 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर उत्तरायणी मेले में सरयू बगड़ पर एक विशाल जनसभा में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें के कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित कर अंग्रेजों को इस प्रकार की बेगार और डोली पालकी की व्यवस्था नहीं करने का संकल्प लिया गया। यहीं से कुली बेगार आंदोलन का उदय हुआ था। यह कुमाऊं में अपने तरीके का एक असहयोग आंदोलन था, जो हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी आदि की देखरेख में चलाया गया, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत की भी भागीदारी रही। कुली बेगार आंदोलन की सफलता से अंग्रेज अधिकारी बौखला गए थे। उन्होंने समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए सल्ट की चार पट्टियों और गुज्जड़ पट्टी पौड़ी से, जो बीहड़ और सरकारी लूट खसूट के लिए मशहूर थे, बेगार वसूली तथा प्रभुत्व स्थापना के लिए एसडीएम रानीखेत हबीबुर रहमान को सल्ट के लिए रवाना किया। एसडीएम के सल्ट पहुंचने से पहले ही हरगोविंद पंत सल्ट क्षेत्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने पुरुषोत्तम उपाध्याय से संपर्क किया। पुरुषोत्तम उपाध्याय सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम उपाध्याय, उनके सहयोगी अध्यापक लक्ष्मण सिंह अधिकारी और ठेकेदार पान सिंह पटवाल ने पूरे सल्ट क्षेत्र तथा गुज्जड़पट्टी पौड़ी में अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग तथा राष्ट्रीय चेतना जागरण की चेतना जगाई थी। पुरुषोत्तम उपाध्याय का घर खुमाड़ में था, इसी कारण खुमाड़ सल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्यालय बन गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय तथा उनके साथियों ने सल्ट क्षेत्र में समाज सुधार, सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर कार्य किया। समाज को नई दिशा दिखाने के लिए समाज सुधार के उद्देश्य से पुरुषोत्तम उपाध्याय ने 1927 में सरकारी अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। मई 1927 में प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत के वार्षिकोत्सव में महात्मा गांधी पहुंचे तो पुरुषोत्तम उपाध्याय अपने सहयोगी पान सिंह पटवाल आदि के साथ महात्मा गांधी से मिलने ताड़ीखेत गए। महात्मा गांधी ने सल्ट के सत्याग्रहियों की खूब तारीफ की, जिससे आंदोलनकारियों का उत्साह और दोगुना हो गया, जिससे समूचे सल्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना की लहर और बढ़ गई। 1927 में ही पुरुषोत्तम उपाध्याय ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया, जिसके बाद सल्ट क्षेत्र डायरेक्ट स्वाधीनता आंदोलन की राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया था। अब राष्ट्रीय आह्वान का सीधा असर सल्ट क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा था। माल गुजार ही सल्ट के बीहड़ क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के स्रोत थे। 17 अगस्त 1930 को क्षेत्र के माल गुजारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। अब क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया था। सरकार का इकबाल कायम रखने की गरज से एसडीएम हबीबुर रहमान 50-60 पुलिस जवान लेकर 20 सितंबर 1930 को भिक्षासेन होता हुआ खुमाड़ के लिए रवाना हुआ। 23 सितंबर को खुमाड़ से 3-4 किलोमीटर पहले नैड़ नदी के किनारे कैंप लगाकर डंगुला गांव को घेर लिया गया। उस वक्त गांव में बड़े बुजुर्ग ही थे। एसडीएम के दल ने गांव में बर्बरता की, उसके घोड़ों ने फसल रौंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बचे सिंह के घर पर बुरी तरह से कुर्की की गई। अधिकांश सामान लूट लिया गया और बकरियां पुलिस वाले खा गए। यह खबर जब आसपास के गांव में पहुंची तो लोगों ने रणसिंगा बजाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने एसडीएम के दल को घेर लिया। खुद को घिरा पाकर एसडीएम ने अपना निर्णय वापस ले लिया और ग्रामीणों की फसल के नुकसान का 5 रुपये मुआवजा भरकर खाली हाथ वापस गया। अंग्रेज पुलिस कैप्टन गोली चलाना चाहते थे, लेकिन एसडीएम ने जमीनी हकीकत को समझकर गोली चलाने से मना कर दिया।
यह सल्ट क्षेत्र के ग्रामीणों की नैतिक विजय थी, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में व्यापक असंतोष व्याप्त हुआ। श्री पान सिंह पटवाल ने इस विरोध में मौलेखाल के टीले में बैठक कर स्वयं की सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तारी देने की घोषणा की और एसडीएम को नोटिस दिया। एसडीएम हालात पर नजर रखने के लिए देवालय पहुंच गया। खुमाड़ में पुरुषोत्तम उपाध्याय के घर बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि जिन सत्याग्रहियों के विरुद्ध वारंट है वे स्वयं अपनी गिरफ्तारी देंगे और लक्ष्मण सिंह अधिकारी बाहर रहकर आंदोलन की रणनीति बनाते रहेंगे। इस सहमति के आधार पर पुरुषोत्तम उपाध्याय, धर्म सिंह, चंदन सिंह आदि सत्याग्रही 24 अक्टूबर 1930 को बड़े जुलूस के साथ गिरफ्तारी देने के लिए रानीखेत को रवाना हुए। रास्ते में डंगुला गांव में जसोस सिंह ने सत्याग्रहियों का भव्य स्वागत किया। दूसरे दिन सत्याग्रह का जुलूस भारतीयों के लिए प्रतिबंधित माल रोड में पहुंचा, जहां सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। स्वयं अपनी गिरफ्तारी दिए जाने से क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति व्यापक चेतना का विकास हुआ और यह समझा जाने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत अब थोड़े दिनों की मेहमान है। 30 नवंबर 1930 को जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी देने के लिए पुरुषोत्तम उपाध्याय के नेतृत्व में 404 सत्याग्रहियों का दल मौलेखाल पहुंचा। पुरुषोत्तम उपाध्याय सहित 58 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन पर कोई केस नहीं बनाया गया। पहले उन्हें काशीपुर हवालात में रखा गया, फिर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। रिहाई के बाद पुरुषोत्तम उपाध्याय 16 मार्च 1931 को खुमाड़ पहुंचे। फरवरी 1932 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां दिसंबर 1932 में गले की बीमारी के कारण बरेली जेल में उनका देहांत हो गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय की मृत्यु से सल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की गति में कमी आ गई। फरवरी 1939 में खुमाड़ में रघुवर दत्त उपाध्याय, हरिदत्त वैद्य, लालमणि आदि ने विशाल सभा कर यह संकल्प लिया कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम उपाध्याय के सपनों को पूरा किया जाएगा और उनके अधूरे कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। सल्ट क्षेत्र में आंदोलन की सक्रियता देखकर अंग्रेज चौकन्ने हो गए। उन्होंने 7 मार्च 1939 को देवालय में रघुवर दत्त उपाध्याय, हरिदत्त भट्ट, लक्ष्मण सिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया, जबकि केरला में लक्ष्मण सिंह तथा हरिद्वारी गिरी को गिरफ्तार किया। पूरे सल्ट क्षेत्र में इस अवधि में राजनीतिक चेतना बढ़ गई। देघाट क्षेत्र में भी अंग्रेजी हुकूमत का भारी विरोध था। एसडीएम जॉनसन द्वारा देघाट पटवारी चौकी में 19 अगस्त 1942 को 7-8 आंदोलनकारियों को बंद कर दिए जाने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैली। पटवारी चौकी का जबरदस्त घेराव हुआ। जॉनसन ने गोली चला दी, जिससे 2 व्यक्ति शहीद हुए, हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला। 1 सितंबर 1942 को 20-25 सत्याग्रहियों द्वारा आगे की रणनीति पर कार्य करने की योजना बनाई गई। इस योजना से रानीखेत में तैनात एसडीएम जॉनसन के आँख कान खड़े हो गए। वह 3 सितंबर 1942 को पुलिस पेशकार और 200 सैनिकों के जत्थे के साथ भिक्याक्षेण, चौकोट, देघाट होकर खुमाड़ के लिए बढ़ रहा था। रास्ते में लोगों ने इस दल का विरोध किया तो चौकोट में गोली चला दी गई। देघाट में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए। जॉनसन ने यहां पहले से ही बड़ी गोलीबारी की थी, जिससे देघाट में 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना से जन असंतोष पहले से ही उफान पर था। यह कहानी आप YouTube चैनल बीबीसी कोटाबाग पर देख रहे हैं। 5 सितंबर 1942 को जॉनसन का दल जब खुमाड़ पहुंचा तो वहां पहले से ही हजारों की संख्या में उत्साह व आक्रोश से भरे ग्रामीणों का मेला लगा था। युवक गोविंद ध्यानी ने दल का रास्ता रोका और नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल उत्तेजनापूर्ण हो गया। जॉनसन ने सत्याग्रहियों का पता मालूम करने के लिए गोली चलाने तथा गांव में आग लगाने की धमकी दी तो उत्तेजना और बढ़ गई। इसी बीच नैनमणि उर्फ नैनवा ने जॉनसन पर हमला कर उसकी पिस्तौल छीनने का प्रयास किया तो जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी दल में अधिकांश सिपाही स्थानीय थे, जिस कारण उन्होंने सीधे गोलीबारी ना कर हवा में गोलियां चलाई। यह देखकर जॉनसन ने स्वयं सीधे गोलियां चलाई, जिससे 2 लोग जख्मी हुए। गंगाराम और खीमराम, जो 2 सगे भाई थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 4 दिन बाद गोली लगने से घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह की भी मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों के सामने जॉनसन की एक ना चली, वह उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सका और अंत में हार मानकर वापिस लौट गया। इस आंदोलन में शहीद हुए शहीदों की याद में सल्ट-खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सल्ट-खुमाड़ में वीरता के लिए मेले का भी आयोजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस ऐतिहासिक कहानी में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज, कोटाबाग से। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बीबीसी कोटाबाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय देवभूमि उत्तराखंड, जय सल्ट के शहीदों की।